डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कल का बचा हुआ टॉपिक है, यानी पार्ट टू, जो इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित था, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कल का एक भूल सुधार हम लोग कर लेते हैं, जो बिहार के सबसे छोटे ज़िले से संबंधित था। हम लोगों ने कल क्वेश्चन किया था और बिहार का सबसे छोटा ज़िला सुपौल नहीं बल्कि शिवहर है, तो ये करेक्शन हम लोग कर लेते हैं। सबसे बड़ा ज़िला पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण, लेकिन सबसे छोटा ज़िला शिवहर है, ये ध्यान में हमें रखना चाहिए। अब आइए आज के टॉपिक पे आते हैं, जो है मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है कि अधिकार क्या है, व्हाट इज़ राइट। तो दरअसल अधिकार आपको दिए जाते हैं, आपको अधिकार मिलते हैं, आप खुद से नहीं कह सकते कि आप अधिकारवादी हैं। जिस तरह के किसी मोहल्ले में उस मोहल्ले का नेता लोग उसे मानते हैं, वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड खुद को नहीं कह सकता कि मैं मोहल्ले का नेता हूँ। जैसे माँ बाप से मिलने वाले अधिकार पैटर्नल राइट्स, पैतृक अधिकार कहलाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमें संविधान के लागू होने पर संवैधानिक अधिकार मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और समय समय पर बनने वाले लीगल राइट्स, कानून, हमें कानूनी अधिकार देते हैं, यानी लीगल राइट्स हमें मिलते हैं। तो ये अधिकार हमें मिलते हैं। अब ये मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट क्या है, और इसमें मूल यानी फंडामेंटल क्या है। तो दरअसल किसी भी व्यक्ति के भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए जिन अधिकारों की ज़रूरत पड़ती है, वे उसके मौलिक अधिकार कहलाते हैं। दूसरे अर्थों में किसी भी व्यक्ति के फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मोरल और स्पिरिचुअल राइट्स उसके फंडामेंटल राइट्स हैं। हम इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के स्वाभाविक विकास के लिए जिन अधिकारों की ज़रूरत पड़ती है, वे उसके मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान में भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मूल अधिकारों के अलग अलग अधिकार वर्णित हैं। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा यानी महान अधिकार, ये शब्द लैटिन भाषा का ये शब्द है मैग्ना कार्टा, जिसका मतलब होता है महान अधिकार। दरअसल 25 जून 1215 में ब्रिटेन में राजा जॉन ने अपने विशेषाधिकार छोड़े और आम जनता के लिए बहुत सारे अधिकारों के की घोषणा की। तो जिस अधिकार पत्र पर ये सिग्नेचर राजा जॉन ने किया, वह कहलाता है मैग्ना कार्टा, यानी कि महान अधिकार। पूरे विश्व में किसी बड़े उदाहरण के लिए, किसी युगांतकारी घटना के लिए इस शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं, मैग्ना कार्टा। तो भारत का मैग्ना कार्टा कहलाता है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार। भारत के संविधान में ये मूल अधिकार भारत के संविधान को विशेष बना देते हैं। आइए देखते हैं कि ये मौलिक अधिकार क्या है। दरअसल शुरू में ये मूल अधिकार 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए थे, लेकिन बाद में 44th Amendment 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये मौलिक अधिकार संशोधित किए गए और इसमें से प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया। बहुत सारी पेचीदगी आ रही थी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आ रहे थे कानून को लागू करने में, इसलिए संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया और इसे अब साधारण कानूनी अधिकार बनाकर आर्टिकल 300A में जगह दी गई। तो इस मूल अधिकार को आइए हम लोग आर्टिकल वाइज देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। दरअसल ये भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं और ये हमें मूल संविधान में तो 7 थे, लेकिन अब हमारे पास 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं। 12 से 35, 12 और 13 में मूल अधिकारों की व्याख्या की गई है, उनका एक्सप्लेनेशन है। 14 से 18 समानता का अधिकार यानी समता का अधिकार वर्णित है, राइट टू इक्वलिटी। 14 से 18 आर्टिकल 14 से 18, जिसमें ये बताया गया है कि देश के हर नागरिक के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। इसमें आर्टिकल 15 बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें
कहा गया है कि किसी भी देश के नागरिक के साथ उसके जाति, धर्म, उसके जन्म स्थान, उसकी भाषा, उसके लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें एक अपवाद को जोड़ा गया, यानी एक्सेप्शन इसमें आया, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन इसमें एक अपवाद यानी एक्सेप्शन जोड़ा गया। वो ये कि अगर समाज में सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर यानी सोशली और एजुकेशनली समाज का कोई वर्ग पिछड़ा हुआ है तो सरकार उसके लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, यानी आरक्षण का, रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकती है। ये आर्टिकल 15 में वर्णित है, यानी भारत में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई वो आर्टिकल 15 के तहत की गई, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, OBC, SC ST और दूसरे समूह के लिए। इसमें जो हमारा संसद है, हमारा विधानमंडल है, राज्यों की विधानसभाएं हैं, उसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई। साथ ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो आर्टिकल 15 के तहत है। तो ये सामाजिक और शैक्षणिक आरक्षण की व्यवस्था आर्टिकल 15 समानता के अधिकार के तहत, इसे संविधान में धनात्मक विभेद शब्द से अभिहित किया गया है, यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी धनात्मक विभेद, यानी ऐसा विभेद, ऐसा भेदभाव जो ज़रूरी है, समाज का ऐसा वर्ग जो पिछड़ा हुआ है उसको बराबरी पर लाना है, तो ये विभेद उस उद्देश्य से प्रेरित है। अब आर्टिकल इसी पर आर्टिकल 15 के बाद 16 इम्पॉर्टेंट है, नौकरियों में आरक्षण की जो व्यवस्था है सरकारी नौकरियों में, वो आर्टिकल 16 के तहत किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई ऐसा वर्ग जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ हो, यानी जो समाज की मुख्य धारा से पिछड़ा है, तो नौकरियों में उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। और इसीलिए आप देखेंगे गवर्नमेंट जॉब में जो आरक्षण की व्यवस्था है, रिजर्वेशन है, वो आर्टिकल 16 के तहत है। तो इस अंतर को हमें समझना होगा। आर्टिकल 17 फिर छुआछूत को बैन करता है, उस पर रोक लगाता है, जिसके लिए शब्द है अस्पृश्यता का अंत, यानी अनटचेबिलिटी को बैन किया गया है आर्टिकल 17 में। और आर्टिकल 18 में फिर जो 14 से 18 समानता का अधिकार है, उसमें आर्टिकल 18 में किसी भी तरह की उपाधि यानी टाइटल को बैन किया गया है, यानी राय बहादुर, राजा, महाराजा, महाराजाधिराज, ये सब शब्द अब नहीं चलेंगे, ये सब आज़ादी के पहले चलते थे। तो इसे आर्टिकल 18 के तहत बैन किया गया कि किसी भी व्यक्ति को किसी टाइटल विशेष के साथ नहीं जोड़ा जाएगा या उसे स्पेशलाइज्ड नहीं किया जाएगा। अब आइए आर्टिकल 19 से लेकर 22 स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी ये ऐसा मूल अधिकार जो आपको लिबर्टी देता है, आज़ादी देता है बहुत तरह की। आर्टिकल 19 से 22 ये बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, 19 से लेकर 20 जो आपको देश में बहुत तरह की लिबर्टी देता है, स्वतंत्रता देता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि हम में से हर व्यक्ति को इंडिविजुअली कितने मूल अधिकार प्राप्त है, इंडिविजुअली अगर आपकी हम बात करें तो आपको कितने व्यक्तिगत रूप से मूल अधिकार मिले हुए हैं, तो इनकी संख्या भी 6 है। पहले 7 थी, इंडिविजुअली पर्सनली हर भारतीय को 6 मूल अधिकार मिले हुए हैं, जो पहले 7 थे, संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया। ये कौन कौन से थे? आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकारों की बात की गई है, यानी हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, राइट टू एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19। पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई भी सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, कहीं भी कॉन्फ्रेंस वो करना चाहता है, कोई लोगों को जुटाकर कुछ ऐसा उद्घोषणा करना चाहता है, सम्मेलन करना चाहता है, तो ये उसका अधिकार होगा, मौलिक अधिकार। तीसरा, संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा, किसी भी देश के क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, और किसी भी तरह का बिजनेस, व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो 6 प्रकार के व्यक्तिगत अधिकार, पर्सनल राइट्स, हर भारतीय को व्यक्तिगत रूप से मिले हुए हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता,
संघ बनाने की स्वतंत्रता यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने की स्वतंत्रता, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता और कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। यहाँ पर याद रखें, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता में आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर एक अपवाद है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के तहत उसे विशेष अधिकार मिले हुए हैं, तो वहाँ आप जा करके नहीं बस सकते हैं, चूँकि वहाँ पर एक संधि के तहत ये सारे उसे विशेषाधिकार मिले हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर छोड़कर भारत के किसी भी भाग में आप बस सकते हैं, वहाँ पर आप अपना मकान बना सकते हैं आर्टिकल 19 के तहत। और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता आ जाती है। संविधान में कहीं पर भी लिबर्टी ऑफ या फ्रीडम ऑफ प्रेस वर्णित नहीं है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता राइट टू एक्सप्रेशन के तहत प्रेस की स्वतंत्रता आती है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 के तहत हमें मिली हुई हैं। आर्टिकल 20 में यानी अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार वर्णित है, यानी राइट अगेंस्ट कन्विक्शन, जिसमें यह कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने आप को निर्दोष साबित करने का अधिकार मिलता है। यानी जब तक दोष साबित नहीं हो जाता, किसी को हम भी अपराधी कहना अनुचित होगा। और एक ही अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को दो बार सज़ा नहीं दी जा सकती, ये इसकी महत्ता है। साथ ही आर्टिकल 21 इसके बाद जो आता है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वर्णित है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। यानी आप किसी को मारते हुए कोर्ट नहीं ले जा सकते, आप किसी को बेड़ियों में जकड़कर थाने में बंद करके नहीं रख सकते। इसका दूसरा पक्ष जो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की एक फैसला से आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी अब मौलिक अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट है। यानी हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत जीवन है, पर्सनल लाइफ है, उसमें ताक झांक करना, उसमें किसी भी तरह का व्यवधान बढ़ाना, ये उसके मौलिक अधिकार का हनन है। ये आर्टिकल 21 में इसे जगह दी गई और इसे मूल अधिकार माना गया। ये भी आप जान लें कि RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन भी आर्टिकल 21 का ही भाग है। और 2002 में 86 संविधान संशोधन के द्वारा एक मूल अधिकार जोड़ा गया, यानी 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई। बहुत बार ये एग्ज़ाम में आ चुका है, 6 से 14 साल के बच्चों को निशुल्क और कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये भी आर्टिकल 21 में वर्णित है, जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में आया था। और इसे 11वां मूल कर्तव्य घोषित किया गया। मूल कर्तव्य टोटल 10 थे, लेकिन अब 11 हैं। 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 21 में 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने से संबंधित है। तो ये आर्टिकल 21 की महत्ता है। 22 को छोड़ते हैं, 23 और 24 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आपका अनुच्छेद 23 से 24 जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है, आप किसी का शोषण कर रहे हैं तो उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। ये शोषण कैसा है? आर्टिकल 23 कहता है कि आप किसी से बेगार नहीं करा सकते, बलात्श्रम यानी फोर्स्ड लेबर आप उससे नहीं ले सकते, यानी बिना उसकी मजदूरी दिए दिन भर आप उससे काम करा रहे हैं, तो ये उसका शोषण है, बेगार आप उससे करवा रहे हैं। तो ये आर्टिकल 23 में इसको प्रतिबंधित किया गया है, आर्टिकल बेगार पर रोक, आर्टिकल 23। और आर्टिकल 24 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार का भाग है, इसमें चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया है, बाल श्रम पर रोक लगाया गया है। ये दोनों प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आते हैं, कन्फ्यूज़न ये होता है कि कौन आर्टिकल 3 है और कौन आर्टिकल 24 है। कई बार हम लोग बेगार को बाल श्रम समझ लेते हैं 24 और 23 को 24, ये कन्फ्यूज़न होता है। तो ये आप बिल्कुल कन्फर्म हो जाएं कि बेगारी कराना 23 में है और बाल श्रम यानी बच्चों से मजदूरी कराना ये 24
जो आर्टिकल 24 है उसमें वर्णित है। फैक्ट्रियों में या पटाखों की फैक्ट्रियों में या खानों में, माइंस में या ऐसे ख़तरनाक जगहों पर बच्चों को, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप नहीं लगा सकते। ये बाल श्रम है, इस पर कड़े कानून हैं, ये उसके मूल अधिकार का उल्लंघन है और ये शोषण है उसका। तो आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में देता है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 राइट टू रिलीजन, यानी कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है, किसी भी धर्म के आप मानने वाले हैं भारत में, आपको अपना धर्म और उससे संबंधित जो भी क्रियाएं हैं आप कर सकते हैं, ये फंडामेंटल राइट है आपका। आर्टिकल 29 और 30 दो आर्टिकल्स माइनॉरिटी से संबंधित हैं, अल्पसंख्यकों को मिले हुए अधिकार हैं, जिसमें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं, यानी राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, ये आर्टिकल 29 और 30 में है। यानी माइनॉरिटीज़ अपनी शिक्षा और अपनी संस्कृति की अभिवृद्धि के लिए इस अनुच्छेद का मौलिक अधिकार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और आर्टिकल 30 बोलता है कि माइनॉरिटीज़ अपना माइनॉरिटी एजुकेशन यानी अपना इंस्टीट्यूशन स्थापित कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट चला सकते हैं। ये दो संविधान के अनुच्छेद माइनॉरिटी से संबंधित मूल अधिकार हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि आप किसे, भारत में माइनॉरिटीज़ यानी अल्पसंख्यकों की संख्या कितनी है, ये आप सोच कर बताएं। और कल के प्रश्न का यहाँ पर एक आंसर आ जाएगा, चूँकि कल हमने एक प्रश्न छोड़ा था 243 और 75, 40 और 16। कल प्रश्न हमने छोड़ा था, बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया, वेरी इंटरेस्टिंगली आसान ही क्वेश्चन है। 243 बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या है यानी MLAs, 75 MLC होते हैं, बिहार विधानसभा बायकैमरल है यानी दो सदनीय है, तो 75 विधान परिषद यानी MLCs हैं, और 40 लोकसभा की सीटें हैं बिहार में, और 16 राज्यसभा की सीटें हैं। ये बराबर एग्ज़ाम में आता है। एक चीज़ ध्यान देने वाली इसमें बात है, जब राज्यसभा की सीटें पूछता है तो चॉइस में 14 भी रहेगा, 14, और तब तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो ये ध्यान में आप रखें, राज्यसभा की सीटें 16 है, इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। और अल्पसंख्यकों किससे संबंधित, चलिए आते हैं। उम्मीद है कि आपने आंसर सोच लिया होगा। भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या 6 है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन। जैनों को अभी कुछ साल पहले उन्हें अल्पसंख्यक का यानी माइनॉरिटी का अधिकार दिया गया है, तो भारत में 6 माइनॉरिटीज़ हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अब अगला है संवैधानिक उपचार का अधिकार, 32, आर्टिकल 32। आर्टिकल 31 कहाँ चला गया, 31, अभी हम लोगों ने 29-30 देखा था, 31 कहाँ चला गया, डायरेक्ट हम लोग 32 पे आ रहे हैं, 32 पे, तो ये 31वां कहाँ गया, समझ गए होंगे आप लोग। बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब चुन लिया होगा, जवाब दिमाग में आ चुका होगा, आसान है। दरअसल संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में वर्णित था, पूरे देश के नागरिकों को राइट टू प्रॉपर्टी था, लेकिन उसे बहुत सारे लोग आज़ादी से पूर्व ज़मींदार थे, बड़े लैंडलॉर्ड्स थे और बड़ी बड़ी भूखंड उनके पास थे। जब आज़ादी मिली तो फिर बहुत सारे मामलात आने लगे, इसीलिए संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसे वर्तमान में अनुच्छेद जो 31 में था 300A में जगह दी गई है। राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार अब आर्टिकल 300A में है, जो अब सामान्य लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आर्टिकल 19 में भी व्यक्तिगत रूप से आपको संपत्ति खरीदने और बेचने का अधिकार मिला हुआ था, वो आपका पर्सनल राइट था, उसे भी हटा दिया गया। तो व्यक्तिगत जो पर्सनल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो 6 हैं जो आपको मिले हुए हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर देश के नागरिकों को सामूहिक रूप से भी 6 मूल अधिकार मिले हुए हैं, 7वां संपत्ति का अधिकार भी निकाल दिया गया। आर्टिकल 32 कहता है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, इतने सारे मूल अधिकार मिले हुए हैं, इनका संरक्षण कौन करेगा, इनसे बचाव कौन करेगा, ये मूल अधिकारों का जब हनन होगा तो पब्लिक कहाँ जाएगी, तो इसकी सुरक्षा कौन करेगा, इससे संबंधित आर्टिकल 32 का प्रावधान किया गया, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी व्यक्ति का अगर मूल अधिकार छीना जाता है तो वो
सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और जाकर न्याय ले सकता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, मूल अधिकार के उल्लंघन पर न्याय पाने का अधिकार है, इसे खुद भी मूल अधिकार बना दिया गया। यानी ये राइट आप ताल ठोक कर कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट आपके इस उल्लंघन को सुनेगी और अपने निर्णय सुनाएगी, जिसे रिट कहते हैं, यानी 5 प्रकार के रिट आदेश जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, इसे हम लोग अभी देखेंगे। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे भारत के संविधान का हृदय और आत्मा यानी हार्ट एंड सोल कहा है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आर्टिकल 32 भारत के संविधान का हार्ट एंड सोल है। तो फिर संविधान का दर्पण कौन सा है, व्हाट इज द मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, यानी संविधान के शुरुआत में पहला पेज जो संविधान का थीम बताता है, उद्देश्य बताता है, उद्देशिका है, प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, उसे संविधान का दर्पण कहते हैं, मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसे आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा और हृदय कहते हैं। तो ये इतने सारे अनुच्छेद हमें मूल अधिकार के रूप में मिले हुए हैं, इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए और इसके अलग अलग आस्पेक्ट्स एग्जाम में आते हैं। अब आइए जानना ये चाहते हैं कि इनमें से कौन से अधिकार विदेशी नागरिकों को मिले हुए हैं और कौन से नहीं मिले हुए हैं, और इमरजेंसी जब लगा हुआ हो तो इनमें से कौन से अधिकार आपसे छीन लिए जाते हैं। ये मूल अधिकार हैं लेकिन ये आपसे छीन लिए जाते हैं, ऐसा क्यों, तो इसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अब उन अधिकारों की बात करते हैं जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। बहुत सारे अधिकार हैं जो मौलिक अधिकार जो विदेशियों को भी मिले हुए हैं, लेकिन वे कौन से अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, केवल नागरिकों को मिले हुए हैं, और इमरजेंसी जब लगा हुआ हो, आपातकाल में हो देश, तब कौन से अधिकार हैं जो निलंबित नहीं होते? क्योंकि जब आपातकाल लागू होता है तो आपके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे अधिकार होते हैं, मूल अधिकार, जो तब भी जीवित रहते हैं। आइए देखते हैं। ये दरअसल जब विदेशियों की बात आती है तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 फंडामेंटल राइट्स हैं जो विदेशियों को नहीं मिले हुए हैं, और इमरजेंसी में 20 और 21 आर्टिकल निलंबित नहीं होते, ये जीवित रहते हैं, यानी अपराधों के विरुद्ध दोष सिद्धि का अधिकार और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये 2 अधिकार फंडामेंटल राइट्स तब भी जीवित रहते हैं। तो ये बड़े महत्वपूर्ण पक्ष हैं, एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। 32 के बाद 3 और आर्टिकल्स हैं जो अलग अलग मामलों से संबंधित हैं, आइए उसे भी देखते हैं। दरअसल आर्टिकल 33 अनुच्छेद 33 कहता है कि सेना, पारामिलिट्री फोर्सेज या पुलिस आदि के मामले में इनके फंडामेंटल राइट्स को सीमित किया जा सकता है, यानी कम किया जा सकता है। कुछ विशेष मामले अगर ऐसे आ जाते हैं तो सेना में आप हैं तो सेना के नियमों से बंधे हुए हैं, आप फंडामेंटल की राइट की बात करके आप आज़ाद होकर भाग नहीं सकते। तो ये आर्टिकल 33 कहता है कि इन मामलों में इनके मूल अधिकार कुछ सीमित किए जा सकते हैं। साथ ही अनुच्छेद 34 ये कहता है कि आर्टिकल 33 कि जब कहीं मार्शल लॉ लगा हुआ हो, यानी सैनिक कानून, किसी क्षेत्र विशेष में बहुत अव्यवस्था फैली हुई है तो वहाँ पर मार्शल लॉ अगर लगा दिया जाता है यानी सेना का कानून, तब वहाँ पर भी मूल अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है, रोका जा सकता है और कम किया जा सकता है। आर्टिकल 35 कहता है कि संसद को मूल अधिकारों पर कानून बनाने का अधिकार है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस पर यानी मूल अधिकारों को संशोधित, रोकना या कम करना, ये संसद का अधिकार है, इस पर संसद कानून बना सकती है। इम्पॉर्टेंट एक बात ये कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, हु इज़ द पैटर्न ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, इसका कौन है जो संरक्षक है, इसकी सुरक्षा करने वाला है? तो इसका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट इन मूल अधिकारों का संरक्षक है। इन्हें इसलिए विशेष महत्व प्राप्त है क्योंकि इनके उल्लंघन पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसे तत्काल संज्ञान लेगा,
यानी ये इसका पैटर्न है। अगर ये उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत जो खुद एक मूल अधिकार है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हालांकि आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 यानी 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट मूल अधिकार के उल्लंघन पर अपने आदेश को जारी करने के लिए बाध्य नहीं है। ये उसके विवेक पर निर्भर है कि उसे अगर लगता है कि मूल अधिकार का उल्लंघन है तभी इस पर अपना वो आदेश पारित कर सकती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों का संरक्षक है, पैटर्न है, इसलिए वो कुछ नहीं सुनेगा, इस पर डायरेक्ट संज्ञान लेगा, सीधा संज्ञान लेगा, कोई पिटीशन दायर करने की ज़रूरत नहीं है, और इस पर अपने आदेश सुनाएगा जो रिट आदेश कहलाता है। पांच प्रकार के ये आदेश हैं, आइए देखते हैं कि ये रिट आदेश पांच प्रकार के क्या है। इतने सारे मूल अधिकारों की बात हुई, अब इनके संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में जब हम जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पांच प्रकार के आदेश जारी करता है जिसे रिट आदेश कहते हैं। ये रिट जो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब आदेश होता है, पांच रूपों में सामने आता है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस, दूसरा परम आदेश यानी मैंडमस, तीसरा प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, चौथा उत्प्रेषण यानी सर्टियोरेरी, और पांचवा कुओ वारंटो यानी अधिकार पृच्छा। ये पांच रिट आदेश सुप्रीम कोर्ट अलग अलग परिस्थितियों में जारी करता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जब किसी व्यक्ति को इल्लीगल ढंग से थाने में या किसी संस्थान में रोक कर रखा हुआ है तो कोर्ट इस पर आदेश जारी करता है। ये आदेश बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसका मतलब होता है सशरीर उपस्थित करो, और कोर्ट कहती है कि 24 घंटे के अंदर इस व्यक्ति को हमारे पास लाना था, इसे जल्दी से हमारे पास लाओ, और अपने निर्णय सुनाती है और इस पर अपना फैसला देती है मूल अधिकारों के उल्लंघन पर। परम आदेश है मैंडमस जिसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी संस्था या किसी निगम या किसी ऐसे न्यायिक अधिकारी के सामने इस आदेश को जारी करते हुए ये बोलती है कि तुम अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे हो, तब ये कहता है कि हम आदेश देते हैं कि इस केस को जल्दी से निपटान करके इसको फाइनलाइज करो, हम आदेश देते हैं। तीसरा केस है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन जिसका मतलब होता है रोको, रोकना, यानी ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी करती है, और इसमें ये हाई कोर्ट्स अपर कोर्ट्स ये कहती है कि ये केस तुम रोक दो, ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। चौथा है आपका उत्प्रेषण यानी सर्टियोरेरी जिसका मतलब होता है सूचना देना। इसमें हाई कोर्ट अपर कोर्ट अपने लोअर कोर्ट से यदि अधीनस्थ कोर्ट के विरुद्ध जारी होता है, लोअर कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के विरुद्ध, और इसमें अपर कोर्ट्स ये कहता है कि हमें ये पता चला है कि तुम इस केस को लटका रहे हो, इस केस को लंबा खींच रहे हो, इस पर निर्णय नहीं दे रहे हो, अगर तुम्हारे ये तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम इसका स्थानांतरण करो, और नहीं हो तो हमारे पास भेज दो, हम इसे इस देखेंगे कि यह केस किस तरह से आगे बढ़ेगा। और अंतिम है अधिकार पृच्छा कुओ वारंटो जिसमें कोर्ट हाई कोर्ट प्रायः सुप्रीम कोर्ट ये पूछती है किसी भी संस्था से, किसी भी निगम से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कि किस अधिकार क्षेत्र से तुम इस पद पर बैठे हो और अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हो। तो ये पांच प्रकार के रिट आदेश सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के उल्लंघन पर जारी होता है जो आर्टिकल 32 यानी 32 के तहत जारी होता है, जो मूल अधिकारों का जो आर्टिकल है यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी उसके तहत जारी होता है। तो बस आज के इस मूल अधिकार के सेशन को यहीं पर रोकेंगे, ये कहते हुए कि मूल अधिकार ये आप याद रखेंगे कि ये अमरीकी संविधान के अधिकार पत्र यानी बिल ऑफ राइट्स से प्रभावित है। इसका जो कंसेप्ट है फंडामेंटल राइट्स का, ये बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। अच्छा, एक सूचना ये है कि जो 26 तारीख का सेशन होने वाला था, एपिसोड आने वाला था, वो एक दिन लेट होगा, वो अब 27 तारीख को आएगा। तो ये आप याद रखें, 26 को नहीं, अगला सेशन हम लोग 27 को करेंगे, तब तक आप रिवाइज कर लें, ऑब्जेक्टिव इसके बना लें, बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, और इसे कई बार 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 सुनें ताकि आपको याद हो जाए। अपना ध्यान रखें, मुझे इजाज़त दें, टेक केयर।